नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दो बहुत बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के सामने है। एक वैकेंसी अपर निजी सचिव की है और दूसरी वैकेंसी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की है। और दोनों ही वैकेंसीज अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, उसके पार की बात करें, सैलरी की बात करें या फिर रेपुटेशन की बात करें, सारी ही चीज़ों में शायद कोई भी कंपैरिजन नहीं है। दोनों ही वैकेंसीज अपने में अनोखी हैं, लेकिन फिर भी जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो अभी तक SSC, बैंक, UPSSC की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो शायद PCS वगैरह का इसमें अभी फॉर्म भरने से डरते रहे हैं, उनका लगातार एक क्वेश्चन आता रहता है कि क्या सर मैं RO की तैयारी करूं या APS की तैयारी करूं, क्या मैं कर पाऊंगा। इवन ऐसे भी जो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी या RO की तैयारी करते आ रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको स्टेनो आती है और वो कहीं ना कहीं एक दो बार UPSC वगैरह का फॉर्म भरे, एक बार पेपर से वाकिफ हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब दोनों वैकेंसीज क्योंकि साथ में आ गई हैं, तो क्या दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है या कौन सा ज़्यादा बेटर है? मुझे स्टेनो आता है, मुझे स्टेनो नहीं आता, अगर स्टेनो आता है तब की सिचुएशन क्या है, स्टेनो नहीं आता तब की सिचुएशन क्या है, कितना समय मिल जाएगा स्टेनो में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन एक रणनीति के साथ, बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस के साथ क्या आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा काम आपके बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देना है और वो करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो बहुत इत्मीनान से देखिएगा। बहुत ही काम की वीडियो आपके सामने ये है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इससे आपकी क्लियर हो जाएगी। आप एट लास्ट ये क्लियर कर पाओगे कि मैं एक की तैयारी करूँ या दोनों की तैयारी करूँ, और एक की करूँ तो किधर जाऊँ, सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। अभी इस पूरे वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि मैंने लिखा है बेहतर कौन है ना, बेहतर। हालांकि अगर बात किया जाए यूनिकनेस की तो दोनों ही वैकेंसी अपने आप में यूनिक है, तो ये कह पाना कि बेहतर कौन सा है अभी थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि पदों की संख्या देखा जाए तो 411 समीक्षा अधिकारी में है, 328 आपके किस में है, 328 आपके APS में है, अपर निजी सचिव, यहां भी इसे APS बोलते हैं, इसे RO ARO बोलते हैं। इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं या वोकेशनल कोर्सेस होते हैं उनमें कौन सा आपका चाहिए, इन सब की वीडियो एक बहुत बेहतरीन कल ही आपको दे दी गई थी। ओ लेवल की समकक्षता क्या है, CCC की समकक्षता क्या है, इसकी वीडियो दे दी गई है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है। आशीष सर उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वहां आप देख लोगे तो सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि आप किसमें आवेदन कर सकते हो। इनकेस मैं आपको बता दूं कि दोनों में ही सेम एलिजिबिलिटी है लगभग, उसका भी कारण यह हो गया है कि यहाँ पे इस बार जो पदों की संख्या है वो RO में ज्यादा है और ARO में कम है। ARO में क्या होता है, ओ लेवल उसके समकक्ष मांगा जाता है, वहां पे चिंता है, बट ज्यादा पद इसमें RO के हैं, तो आप RO के लिए कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और यहाँ पे भी किसी आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास CCC है या कंप्यूटर का कोई भी, आपने 12th में भी कंप्यूटर का रखा है या कोई भी आपके पास डिप्लोमा या 6 महीने का मिनिमम कोर्स है, तो आप APS भी एलिजिबल हो, तो लगभग दोनों ही लोग APS के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं एक एक चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आखिर कैसे इसका पैटर्न है, क्या इसमें क्या पूछा जाता है, सिलेबस इसका क्या है, इन सारी ही चीजों का हम लोग यहाँ पे एक एक चीज जिक्र करेंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि दोनों में अगर एलिजिबिलिटी मोटा मोटा बता दे रहा हूं कौन आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो अगर APS की बात किया जाए तो जनरल ग्रेजुएशन, यहाँ पे भी अगर आपने ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है, आप अगर ग्रेजुएशन कर रखे हो तो दोनों ही फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो, BA हो, BSc हो, BTech हो, है ना, कुछ भी हो, मतलब वो जिसे ग्रेजुएशन की डिग्री बोला जाता है 3 या 4 साल का, ये दोनों ही कर सकते हो। इसमें प्लस CCC मांगा है और इक्विवेलेंट, और CCC के इक्विवेलेंट बहुत सारी डिग्रीज हो गई हैं, है ना, CCC और इक्विवेलेंट मांगा है, इस चीज को ध्यान देना। यहां पे RO के लिए, RO के लिए ओनली ग्रेजुएशन है ना, RO के लिए ओनली ग्रेजुएशन है, और ARO के लिए केवल मांगा जाता है। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो ARO के लिए आपका ओ लेवल या उसके समकक्ष मांगा जाता है, क्या मांगा जाता है, ओ लेवल या उसके समकक्ष, और ओ लेवल के समकक्ष वाली वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, उससे आप देख सकते हो। यहाँ पे ARO की मैं बात कर रहा हूँ, केवल ARO के लिए। बाकी 21 से 40 साल के बच्चे यहाँ पे भी भर सकते हैं, 21 से 40 साल के बच्चे यहाँ पे भी भर सकते हैं, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
इससे ज्यादा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उम्र हो गई और आपका क्या हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया और आपका सर्टिफिकेशन हो गया, बाकी की कोई जरूरत नहीं है और बाकी डिटेल आशीष सर दे दिए। अब आते हैं हम लोग यहां पर कि पैटर्न क्या होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आरओ में क्या होता है कि तीन चरण होते हैं ना, आरओ में तीन चरण होते हैं, और अगर देखा जाए तो एपीएस में भी दो चरण है, लेकिन इसको भी तीन चरण बोल सकते हैं। आरओ का भी तीन चरण और एआरओ का भी तीन चरण, तीनों बोल सकते हो, और ऐसे ही एपीएस के भी तीन चरण में। कैसे तीन चरण समझाता हूं, जहां पे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में प्रीलिम्स का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है, पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, मेंस में ही निबंध होता है, और तीसरा आप बोल सकते हो कि डीबी, बस ऐसे बोल सकते हो, उसे तीसरा चरण बोल सकते हो जिसे डीबी बोला जा सकता है। यहां पे क्या है एपीएस में क्या है, पहला चरण आपका प्रीलिम्स है या आप बोल सकते हो कि सिंगल पेपर है, दूसरा जो आपका चरण है वो आपका स्किल टेस्ट है जिसमें आपको स्टेनो देना है, और तीसरा जो चरण आपका है वहां पे आपको डीबी और कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, तीन चरण वहां पे भी है। अब तीनों चरण की अगर हम बात करें कैसे हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे और क्या विशेषताएं हैं और क्या अंतर है, इनकी बात करते हैं। अगर हम चरण प्रथम की बात करें, ऊपर जो मैंने लिखा है ये एपीएस का लिखा है, ये जो है ये किसका है, एपीएस का है, अपर निजी सचिव का है, और दूसरा आपका क्या है, आरओ और एआरओ का है। ठीक है, आरओ और एआरओ का है, ये चाहे आप आरओ का भरेंगे चाहे एआरओ का भरेंगे, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग फॉर्म भरना होता है, एक ही फॉर्म में आरओ और एआरओ हो जाता है। आपकी मेरिट बेस पे क्या होता है, मेरिट बेस पे आप आरओ या एआरओ बनते हो। दूसरी बात, एआरओ में क्योंकि ओ लेवल है उसकी समकक्षता है, तो जो बच्चे ओ लेवल है उसके समकक्ष है वही लोग एआरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप एआरओ वाले पे टिक नहीं लगाओगे, आप केवल आरओ वाले पे टिक लगा दोगे। इनकेस भूल चुक आपने टिक लगा भी दिया है तो आप बाद में क्या हो जाएंगे, बाद में डीबी के टाइम आपको एआरओ में कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको आरओ में ही कंसिडर किया जाएगा। एपीएस की बात किया जाए तो यहां पे क्या है, सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन 150 है, यहां पे जो टोटल क्वेश्चन है 200। कैसे 150 और 200 है, यहां पे जीएस ना बोल के हम इसे जीके बोले, जीए बोले, 50 क्वेश्चन, 50 हिंदी और 50 कंप्यूटर, और यहां पे क्या है 140 आपका जीएस है और 60 आपका हिंदी है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे किसमें, सबसे पहले अगर कंपैरिजन करेंगे हिंदी में, तो हिंदी में यहां पे 60 क्वेश्चन है, यहां पे 50 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों की 50-50% हिंदी सेम है, बाकी हिंदी अलग है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद अगर हम जीएस जीके की बात करें तो जीएस जीके में भी केवल आप बोल सकते हो इतिहास, भूगोल, यूपी, करंट अफेयर्स, ये पोर्शन और विज्ञान कॉमन है, बाकी सारे पोर्शन क्या है अलग है, तो 50% आपका सिलेबस यहाँ पे मैच कर रहा है, बाकी सिलेबस नहीं मैच कर रहा है। और तीसरा यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न नहीं, प्रश्न भले ही 140 में जीएस वाले में एक दो पूछा जाए, बट कंप्यूटर का अलग से कोई संभाग नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, आपको एक सिटिंग में पेपर देना है एपीएस में 3 घंटे का, और आपको एआरओ में 2 सिटिंग में पेपर देना है, 1-2 घंटे का, और फिर हिंदी के लिए 1 घंटे का, कुछ समय बाद आपका 2 घंटे गैप करके फिर से एक ही दिन में 2 शिफ्ट में पेपर कराया जाता है, लेकिन टोटल 3 घंटे का यह भी होता है, टोटल 3 घंटे का यह भी होता है। दोनों ही वैकेंसी से आपकी जो जॉब मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, आप सचिवालय में, 3 जगह पे जॉब है, एक आपका यूपी सेक्रेटरिएट सचिवालय में, या फिर आप कहां पे आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और तीसरा आपको कहां पे मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा राजस्व परिषद में। तो 3 प्रकार के जो जगह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पद है, चाहे एपीएस की बात करें चाहे हम समीक्षा अधिकारी की बात करें, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के ही पद ज्यादा है और इस बार सचिवालय से ही ज्यादा पद आए हैं, तो इन कंपैरिजन आप बोल सकते हो कि दोनों में ही सेम जगह आप सेक्रेटरिएट ही बैठोगे, बस सेक्रेटरिएट में जाने के बाद एक जगह अपर निजी सचिव बन के बैठोगे और एक जगह क्या बन के बैठोगे, समीक्षा अधिकारी बन के बैठोगे। दोनों में जॉब प्रोफाइल का तो जमीन आसमान का फर्क है, बट जगह आपकी जो है वो सेम है, विभाग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप समीक्षा अधिकारी किसी दूसरे विभाग के बन जाओ और अपर निजी सचिव में भी सचिवालय में अलग अलग विभाग के बन जाओ, बट बैठोगे आप सचिवालय में ही और ग्रेविटी आपकी सेक्रेटरिएट वाली ही होगी। तो ये प्रथम चरण है, प्रथम चरण में अभी मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो दोनों के सिलेबस को कंपैरिजन कर लो, कौन कौन से टॉपिक कॉमन है वो मैं पहले आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश, यहां पे भी कॉमन है, यहां पे उत्तर प्रदेश का केवल भूगोल पूछा है, उत्तर प्रदेश में सारी बातें नहीं पूछा है, उत्तर प्रदेश का केवल भूगोल पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का लगभग भूगोल की बात करें तो 50% भूगोल से ही कवर हो जाता है, बाकी 50% में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो लगभग 50% यहीं से कवर हो जा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो यहां पे रीजनिंग का पार्ट दिया है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, यहां पे अंकगणित दिया है, यहां पे जहां पे आपको मैथ्स पढ़ना है यहां पे रीजनिंग पढ़ना है, तो ये बिल्कुल अलग है, इस चीज को समझिएगा। दूसरी चीज जो आपका कॉमन है उसको मैं बता दूं, भारत का संविधान,
ये भारत का संविधान यहाँ पे पूरा, और भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इसमें भारतीय राजतंत्र वाला पार्ट आपका केवल क्या है, भारत का संविधान है, बाकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति आपका अलग होता है, ऐसे हम लोग इकोनॉमिक्स के फॉर्म में देखते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका सेम है। तीसरा आपका यहाँ पे भी विज्ञान है और यहाँ पे भी विज्ञान है आरओईआरओ में, तो ये तीन पार्ट आपके सेम हो गए। चौथा पार्ट आपका इतिहास है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के संदर्भ में यहाँ पे दिया हुआ है, इसने कोई ऐसा नहीं दिया है, इसमें केवल भारत के संदर्भ में पूछेगा, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, भारत का इतिहास लिखा है, वैश्विक इतिहास नहीं लिखा है, तो इस कारण से इतिहास भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि वहां पे आधुनिक भारत दे दिया है, तो वो आपका क्या हो जाता है, यहीं से कवर हो जाता है। कहने का मतलब ये टॉपिक और ये टॉपिक आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। इसके अतिरिक्त आधुनिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और यहां पे भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ये आपके टॉपिक सेम हो गए, तो ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। बाकी आप जो टॉपिक देखोगे इसमें भारत का भूगोल केवल दिया हुआ है, तो विश्व भूगोल और भारत के भूगोल में भारत का भूगोल वाला टॉपिक आपका मिल जाएगा, विश्व भूगोल आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर जनसंख्या की बात यहाँ पे नहीं की गई है, जनसंख्या नगरीकरण से प्रश्न नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा कृषि वाणिज्य व्यापार से यहाँ पे प्रश्न होता है। तो आप देखो कि अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हो तो एपीएस से ये सारी टॉपिक आपको थोड़ा सा अलग पढ़नी पड़ेगी तीन। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको शब्द संक्षेप हो गया, और आपका प्रसिद्ध पुस्तकें हो गया, खेल जगत हो गया, महत्वपूर्ण नगर स्मारक हो गया, और अंकगणित हो गया। कहने का मतलब 3, 2, 5 और 3, 8, 8 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगे अगर आप दोनों की तैयारी साथ लेके चल लो। ये आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लियर। दूसरी बात अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में यहाँ पे अगर पेपर हिंदी की बात करें, तो पहले चरण में पेपर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका विलोम सेम है, आपका पर्यायवाची सेम है दोनों में, उसके बाद वाल्तनी और वाक्य शुद्धि है ना, ये आपके तीन सेम है। तो वाक्यों की शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, यहाँ पे दोनों टॉपिक है, केवल यहाँ से 2 टॉपिक मिल जाएंगे, यहाँ से 3 टॉपिक मिल जाएंगे, और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपको देखा जाए तो 2 टॉपिक यहाँ पे आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे आरओ के लिए, और एपीएस के लिए भी आपको 1, 2, 3 और 4 टॉपिक आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं भाग 3 का, तो कंप्यूटर यहाँ पे आपको अतिरिक्त ही पढ़ना पड़ेगा एपीएस में, वहां पे आपको आरओ एआरओ में कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आरओ एआरओ में कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आरओ एआरओ में फिर से मुख्य परीक्षा देनी पड़ती है। अब मुख्य परीक्षा की हम बात करें, अब आपके पास कंपेरिजन जो था, जो आप चूज करोगे, कैसे चूज करोगे, वो मेन चीज यहाँ पे है भाई। एक में आपका क्या है, स्टेनो है, जो स्किल टेस्ट है, जो सबको नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं क्या सर मैं अभी स्टेनो सीख सकता हूँ, तो मेरा कहना यह है कि भाई अगर आप फॉर्म तो भर दो, मैं इतना बोलूंगा है ना, जो जेन्युइन आपको सजेशन है, अगर पेपर 5-6 महीने में हो जाएगा, और या बोल सकते हो कि अगर स्टेनो का भी पेपर 7-8 महीने के अंदर हो जाएगा तब तो मुश्किल है, लेकिन इन केस अगर स्टेनो में आपको समय मिल गया और आज आप आज से सीखना चालू कर दोगे तो हो सकता है कि 8-10 से 11 महीने में आप स्टेनो सीख भी ले जाओ। आज अगर आप फॉर्म भरे रहोगे, तैयारी किए रहोगे, तो हो सकता है कल आपको फायदा मिल भी जाए। 185 रुपये में कुछ जाता नहीं है, पढ़ाई आप कर ही रहे हो, नहीं APS की करोगे तो आर ओ आर ओ की करोगे, और नहीं आर ओ आर ओ की करोगे तो APS की करोगे। तो मेरा सुझाव आपको यह है कि दोनों तैयारी पहले लेके चलो, 55 से 60% लगभग सिलेबस सेम है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी एक को ही चूज करना चाहते हो, जैसे आप ऐसे बच्चे कहीं पे कार्यरत ऑलरेडी है ना, और स्टेनो की ही जॉब प्रोफाइल पे है, कहीं स्टेनो ही लिख रहे हैं किसी राज्य सरकार में या किसी केंद्र सरकार में या फिर कोई वैसे भी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर है कि आप फिर स्टेनो वाले बच्चे के लिए आप पूरे डेडिकेशन एपीएस पे लगा दो। जिनके पास स्टेनो नहीं है और उन्हें लगता है कि मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, समय नहीं मिलेगा, वो पूरा डेडिकेशन आप आरओ आरओ पे लगा दो। लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं आता है तो मैं बोलूंगा फिर आप दोनों ही साथ लेके चलो, क्योंकि किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, किसमें अतिरिक्त समय मिल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। स्किल की बात है, सीखी जा सकती है, मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज तो उसमें हाई है, फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क है आप उसे कर नहीं पाओगे। एकदम एक मध्यम एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी स्टेनो 8-10 महीने में 12 महीने में सीख लेता है और अच्छी प्रैक्टिस भी कर लेता है, और जो डेडिकेटेड होते हैं, जो 5-6 घंटे देते हैं, उनको 7-8 महीने में भी सीख लेते हैं, ये हकीकत है। और मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 6-6 महीने में स्टेनो सीखे, 7-7 महीने में स्टेनो सीखे, एक बात मैं कह रहा हूं, तो इसे आप यहां पे फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप सोचते हो कि मैं स्टेनो नहीं सीख पाऊंगा तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी आरओ आरओ के मेंस में।
अब मेंस में एक चीज तो अच्छी है आरओ यारो के कि आपको जीएस वाला पार्ट है वो 140 वहां पे क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न तो 120 ही पूछेगा, बट पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्या है मेंस का सेम है। तो मेंस में आपको पढ़ने की अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हिंदी वाले पार्ट में भी आपको अलग से नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में, यहाँ पे आप देखोगे तो पहला तो सामान्य अध्ययन है, ये 120 क्वेश्चन होगा, ये आपका सेम है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे वही आपको पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है। अगर मैं बात करूं कहाँ पे मेहनत सामान्य हिंदी, यहाँ पे भी आपको वहां पे तो 60 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 30 ही क्वेश्चन होता है, वहां पे 6 पार्ट होता है, फिर 5 ही पार्ट होता है, तो आपको कम ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तीसरा जो है, ये देखिए जो है ना पार्ट, ये सारे यहाँ पे पढ़ने हैं, वो आप प्रीलिम्स में पढ़ लोगे, तो आपको इस पेपर के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है। जो मेहनत करनी है वो मेहनत कहाँ पे करनी है, इस वाले पार्ट में करनी है जो आपका पारंपरिक प्रकार का होता है, और इसमें 100-120 नहीं होता, ये 100 नंबर का होता है ना, ये जो पारंपरिक होता है 100 नंबर का होता है, यहाँ पे मेहनत कर ले। तो आप चाहो तो ये 100 नंबर यहाँ पे मेहनत कर लो, या आप चाहो तो क्या करो, अगर स्टेनो कर रहे हो तो स्टेनो सीखने में मेहनत कर लो, यहाँ पे भी आपको 75 अंक का स्टेनो और 25 अंक की टाइपिंग मिलेगी। अगर आप एआरओ करते हो तो टाइपिंग आपको करनी करनी है, मंगल पांड कुछ दे सारे अलाउ है, दोनों में ही आप कर सकते हो, और अगर स्टेनो नहीं सीखना चाहते हो तो आप इसमें कर लो। इसमें आपको गद्यांश का शीर्षक सारांश ये सब करना होगा, पत्र लेखन ये आपको कन्वेंशनल पूछा जाएगा, आपको लिख के बताना होगा, ऐसे ही आपका पत्राचार हो गया, और उसके बाद आपका क्या होगा पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, ये आपसे क्या होता है जो आपका है ना इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, स्टेनो वाला वही चीज आपका यहाँ पे भी है। तो जो एब्रीविएशन वाला पार्ट और जो वाला पार्ट है इसमें एपीएफ में प्रीलिम्स में, वो आपको मेंस में फिर से देखने को मिलेगा आरओ यारो के, और कंप्यूटर ज्ञान जो वहाँ पे 50 अंक का है, 10 अंक यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो लगभग जो आप वहाँ पे प्रीलिम्स में ही कर लेते हो वो आप यहाँ पे आके मेंस में करोगे, बट वहाँ पे स्किल, यहाँ पे स्किल नहीं है। तो ये या तो आप इसे सीख लो, इसमें एक चैलेंज और है, वो है क्या, निबंध, 3 निबंध लिखने होते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं, 120 के होते हैं, तो टोटल जो मेंस का पेपर होता है वो यहाँ पे कितने का होता है, 400 नंबर का होता है, 120 का आपका क्या होता है, 120 आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद फिर 30 होता है, टोटल बोल सकते हो 150, और उसके बाद फिर आपका क्या होता है 100 नंबर ये होता है, और फिर मेंस वाला होता है जो हिंदी पारंपरिक की बात कर सकते हैं, तो 120 आपका वो हो गया प्रीलिम्स का जीएस, 120 आपका पारंपरिक और वस्तुनिष्ठ हिंदी वाला पार्ट हो गया, और 120 का आपका क्या होता है, 120 आपका क्या होता है यहाँ पे निबंध होता है, तो 120 160 120 कुल मिला के 400 नंबर का पेपर होता है, और ये आपको निबंध इसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, पहले एपीएस में भी निबंध था, अब इसमें निबंध नहीं है। आते हैं तृतीय चरण में, तो तीसरे चरण में आपको क्या होगा, एपीएस में अलग से कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, जबकि आपके आरओ यारओ में तीसरा चरण ऐसा कोई नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका निबंध वाला पार्ट है उसे आप इसके प्रैक्टिकल से कंपेयर कर सकते हो, दोनों में ही लगभग सेम मेहनत करनी है, तो मेहनत दोनों में लगभग सेम है, अगर साथ में मेहनत करते हो 50% चीजें कॉमन भी है। मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि अगर आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो दोनों की साथ में तैयारी करो, शायद इतना अच्छा अवसर न मिले। 328 पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एपीएस का जीवन में कभी नहीं आएगा दोबारा, और समीक्षा अधिकारी के 322-330 पद लगभग केवल समीक्षा अधिकारी के हैं, इतने ज्यादा पद भविष्य में न इससे न भूते न भविष्य न इससे पहले भी कभी आया है, और भविष्य में भी इससे ज्यादा प्रश्न आने की कोई आशंका, इससे ज्यादा पद आने की कोई चांस ही नहीं दिखता है, तो इस कारण से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप मेरा सुझाव है कि दोनों की ही तैयारी करो, अगर आप किसी एक को लेना चाहते हो तो अगर आप स्किल सीख सकते हो, अगर आप ऐसे बच्चे हो, समझिएगा जैसे आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, जैसे अगर आप बीटेक बैकग्राउंड के हो, या फिर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री कंप्यूटर डिग्री के बैकग्राउंड के हो, तो आपके अंदर अगर ये इच्छा शक्ति है कि मैं स्टेनो सीख लूंगा, तो आप एपीएस में डेडिकेटेड हो जाओ, क्योंकि फिर उसका प्रीलिम्स आपके लिए चुटकी बराबर है। और आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अभी तक मैं प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, मैंने बीए कर रखा है, मेरा इतिहास भूगोल और अर्थव्यवस्था ये ज़्यादा बढ़िया है, मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं स्टेनो जितना सीखूंगा उससे ज़्यादा मेहनत मैं इधर कर लूंगा, तो आप आरओ यारओ पे डेडिकेटेड हो जाओ। तो दोनों के लिए, प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए मैं बोलूंगा एपीएस ज़्यादा अच्छा है। आप अगर नॉन प्रोफेशनल डिग्री से हो, बीए बीएससी या ऐसे कुछ कर रखे हो जिसमें आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट अच्छा है, तो आपके लिए आरओ ज़्यादा अच्छा है।
क्लियर हो गई बात। और अगर आप दोनों में सक्षम हो तो दोनों ही आप तैयारी लेके चलो, दोनों का ग्रेड पे सेम है। एआरओ में 4600 ग्रेड पे होता है बस, लेकिन आरओ का समीक्षा अधिकारी का 4800 होता है। तो आरओ और एपीएस दोनों समकक्ष हैं, एआरओ थोड़ा सा एपीएस से नीचे है। पे लेवल क्या है, लेकिन 5-6 साल के बाद प्रमोशन में आप क्या हो जाओगे, आप फिर से आरओ हो जाओगे। आरओ का पे लेवल दोनों का सेम है, बेसिक पे सेम है, डीए सेम है, एचआरए सेम है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लगभग सेम है, क्योंकि दोनों सेक्रेटरीट में बैठे हैं। हो सकता है कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर कहीं राजस्व विभाग में जाए, तो ये थोड़ा बहुत वो भी कितना अंतर आएगा, 500 रुपए से 1000 का अंतर आएगा। और हो सकता है कि आपके सिटी वाइज कहीं पे, जैसे आप क्या करते हो राजस्व परिषद में हो, तो अब आपको यहाँ पे निदेशालय नहीं मिलता है, कहीं अलग आपको बिठा दिया जाता है, कहीं जनपद में बिठा दिया जाता है, तो वहां पे हो सकता है सिटी वाइज आपका क्या हो जाए, एचआरए वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, जिससे 1000-1500 का अंतर आएगा, ज्यादा अंतर उसमें भी नहीं आएगा, 2000 का मैक्सिमम, 2-2500 का अंतर आएगा। तो ये इसलिए 75 से लेकर 80 हजार के बीच में आपकी सैलरी होगी। और जब आप पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो सैलरी नहीं देखते हो, ये भी परम सत्य है। सैलरी के लिए आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, इससे ज्यादा भी कमा रहे हो और कमा ले रहे हो, मुझे इतना पता। आप इसकी तैयारी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाए, आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी समाज में और ज्यादा वैल्यू हो जाए, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपनी ग्रेविटी बढ़ाना चाह रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पीसीएस सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने का टैग लेना चाह रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका परम सपना है एपीएस भी और आरओ यारो भी। तो आप अपने इस सपने को साकार करने के लिए कोई भी चीजें छोड़िए मत। टीम परीक्षा प्लस बहुत ही बेहतरीन तैयारी इसमें आपकी करवा रही है, इसी कारण से ये सारे ये किताबें आपके लिए लाई गई हैं। और एक बहुत बेहतरीन आपके लिए क्या किया गया है, बहुत बेहतरीन आपके लिए कोर्स भी लाया गया है जो 592 प्लस जीएसटी में आपके लिए यहाँ पे केवल अवेलेबल है। इसमें मैं आपको दिखा दूं किताबें किस प्रकार से बहुत बेहतरीन हम लोग किताबें दे रहे हैं। इसमें एक आप डेमो देख सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ पे बात करूं तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया, आप देखोगे भौगोलिक स्थिति एकदम, जहां पे डायग्राम की जरूरत है डायग्राम की, जहां पे आपको पूरा चार्ट की मैप की जरूरत है, जहां पे आपको टेबल की जरूरत है, जहां पे आपको पॉइंट कॉन्सेप्ट की जरूरत है, सब कुछ एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिया जा रहा है। यही नहीं, आप केवल यूपी नहीं, अगर आप इसे हमारा ज्योग्राफी का भी पार्ट देखोगे तो ज्योग्राफी में भी सेम चीज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ज्योग्राफी में भी या आपको जो बनाया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए जा रहे हैं, एकदम इमेज के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, एकदम मैप के हिसाब से। यही नहीं, अगर आप हिस्ट्री वगैरह, इसके अतिरिक्त अगर आप हिस्ट्री वगैरह देखोगे तो ये भी आपका उतना ही बेहतरीन नोट्स आपको इतिहास वगैरह मिल जाएगा, जहां पे मैप, इमेज, टेबल, कॉन्सेप्ट सबके फॉर्म में आपको सारी चीजें कवर कराई जा रही है। अगर आप एपीएस में कहीं कंप्यूटर वगैरह देखोगे तो उसका भी मैं दिखा दूं आपको, बिल्कुल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही जैसा आपका होता है वैसे ही दिया जाएगा, हालांकि यहाँ पे है नहीं, ये है, जैसा आपका एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में पूछा जाएगा उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच में नोट्स बना रहे हैं, पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो ये आपको मात्र 592 प्लस जीएसटी आरओ का, और अगर आप एपीएस करना चाहते हो तो उसमें भी आपका केवल और केवल 999 प्लस जीएसटी, बहुत कम प्राइस में आपका पूरा का पूरा कोर्स हो रहा है। तो आरओ का हम लोग एक टारगेट बैच लॉन्च किए हैं, ठीक है, आरओ का टारगेट बैच लॉन्च किए हैं, आप इससे जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे एपीएस बैच से भी जुड़ सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा दूं कहां पे जाके आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे जाके खरीद सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org से परचेज कर सकते हो। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप कहां से कर लो, आप हमारे ऐप पे, है ना, कहां पे जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर ऐप आप में डाउनलोडेड है, ऐप डाउनलोडेड है, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप कोर्सेस में जाओगे और कोर्सेस में ही आपको क्या मिल जाएगा, कोर्सेस में ही आपको यूपीपीएससी में एपीएस का भी और आरओ एआरओ दोनों का ही आपको बैच मिल जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप पे भी जा सकते हो, यहाँ पे आपको सारे ही बैचेस लगे मिलेंगे। कोर्सेज में आप जाएंगे तो कोर्सेज में आपको, कोर्सेज में जाने के बाद आप यूपीपीएससी में जाएंगे और वहां पे आपको यहाँ पे देखेंगे एपीएस 2.0 भी चला दिया गया है और आपका आरओ यारो का टारगेट भी। तो ये आरओ यारो का टारगेट बैच जो है 592 प्लस जीएसटी 699 में मिलेगा और एपीएस 2.0 999 प्लस जीएसटी 1178 में मिलेगा। आप दोनों में ही देख सकते हो, यहाँ पे जाके डेमो में देख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके जो मन में एक वो की स्थिति थी कि हम किसकी तैयारी करें वो क्लियर हुआ होगा। मेरा सुझाव है कि आप दोनों को साथ में लेकर चले। फिर से मैं लास्ट में बोल रहा हूं, अगर आप प्रोफेशनल डिग्री से हैं तो आप किसकी तैयारी करोगे, आप तैयारी करोगे
एपीएस की। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल से हो, आपको लगता है कि आपकी लेखन शैली अच्छी है, या फिर आप पत्र वगैरह अच्छे से लिख सकते हो, या फिर आप सामान्य अध्ययन ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, तो आपके लिए आरओ है, वरना दोनों की तैयारी साथ में लेकर चलिए। टीम परीक्षा प्लस इसमें पूरा सहयोग दे रही है, बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट दे रही है, और अगर टीम से जुड़ते हो तो पूरा मार्गदर्शन के साथ आपको एक एक चीज कवर भी कराया जा रहा है। अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो आपके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।